दिल्ली में 3000 से ज़्यादा तबलीगी जमात के लोग लगभग पिछले एक महीने से अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स में हैं। जो लोग अभी तक क्वारंटीन सेंटर्स में हैं उनका कोरोना वायरस टेस्ट भी नेगेटिव आया है। दिल्ली सरकार ने कल यानी कि 6 मई को एक आदेश निकाला है कि इन लोगों को अब घर जाने दिया जाएगा। लेकिन हमने सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर में मोहम्मद इब्राहिम से बात की, जिनका कहना है कि अभी तक उनके पास कोई सूचना नहीं है और ना ही ये स्पष्टता है कि वो लोग घर कब तक जा पाएंगे। ऐसे में जो लोग इन क्वारंटीन सेंटर्स में हैं उनका कहना है कि अब ये क्वारंटीन सेंटर डिटेंशन सेंटर जैसे लगने लगे हैं। हम लोग सब दिल्ली के लोकल आदमी हैं और हमें 14 दिन के लिए सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर में लाया गया था, लेकिन आज 40 दिन हो गए हैं, कोई रिलीज का प्रोग्राम नज़र नहीं आता। और यहाँ 750 लोग हैं, इतने लोगों का वक़्त यहाँ इतना ज़्यादा ज़ाया किया जा रहा है। 750 लोगों को एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, कौन इनके वक्त की निगरानी करेगा? इतने लोगों का वक्त ख़राब हो रहा है, जबकि हम लोगों का टेस्ट भी हो चुका है और सारी रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं, उसके बावजूद भी छोड़ा नहीं गया अभी तक। तीन तीन, किसी की दो रिपोर्ट, किसी की तीन रिपोर्ट, सब नेगेटिव। यहाँ जितने क्वारंटीन सेंटर में सब नेगेटिव थे। जो क्वारंटीन में नेगेटिव लोगों को लाया जाता है, जो पॉजिटिव होते हैं उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और जो ठीक होते हैं उनको क्वारंटीन लाया जाता है। तो यहाँ क्वारंटीन में हमको लाया गया 14 दिन के लिए, लेकिन 14 दिन से ज्यादा होते होते एक महीने से सवा महीना, आज 1.5 महीना हो गया करीब। 40 दिन पूरे गुजर चुके हैं, लेकिन कोई प्रशासन और कोई डॉक्टर्स की टीम ये नहीं बता के दे रही कि ये आपको यहाँ से कब रिलीज किया जाएगा। हम एसडीएम सर के पास जाते हैं, नागेंद्र त्रिपाठी जी एसडीएम साहब हैं, हम उनसे कहते हैं सर हमारी रिलीज का क्या कर रहे हैं आप लोग, कब रिलीज करेंगे, कब डिस्चार्ज करेंगे? वो कहते हैं जी एडीएम साहब बताएंगे, या फिर ये कि हम लोग तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन पीछे से ऊपर से ऑर्डर नहीं है। किसके ऑर्डर का इंतजार है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हमको रोक रही है या स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने हमको रोका है? जब आपका कानून 14 दिन क्वारंटीन का था तो आज 40 दिन तक भी हमारी कोई खैर खबर नहीं, कोई हाल अहवाल लेने वाला नहीं है जी आपको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा, कम से कम बताओ तो सही क्या परेशानी है, लोगों को तसल्ली तो हो। 750-800 लोग यहाँ मौजूद हैं, उन एक एक आदमी को तसल्ली देना, उनको समझाना, हम लोग परेशान हो चुके हैं। और उससे बड़ी कयामत तो यह है, अब 8 दिन से यहाँ पॉजिटिव पेशेंटों को लाकर रखा गया है, पॉजिटिव पेशेंट नेगेटिव के बीच में रख दिया गया है। खुदा ना करे अगर ये आपस में मिलेंगे, और ये चूंकि हमारी जिम्मेदारी खाना पहुंचाना, इफ्तार और सहरी का पहुंचाना, उनको पानी पहुंचाना, यहां तक कि कोई पेशेंट बीमार होता है उसकी दवाई भी लेकर के हमें खुद जाना होता है। ये लोग हमको बताते हैं फला रूम के अंदर ये दवाई पहुंचानी, हम खुद लेकर उनके पास दवाई लेके जाते हैं। अगर वो लोग पॉजिटिव होंगे तो हमें डर है कि हम लोग भी पॉजिटिव ना हो जाए। ये हमें डिटेंशन सेंटर में ला के रखा है, लाए थे क्वारंटीन में, ये बना दिया उन्होंने डिटेंशन सेंटर। हम लोग तबलीगी जमात के लोग हैं, हम मुल्क के वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं, हम मुल्क का भला चाहते हैं। हमारी दरख्वास्त है दिल्ली गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से, दोनों से दरख्वास्त है, प्लीज इनके हाल पे रहम खाओ, खुदारा इनको मजबूर ना करो, इनके सब्र का इम्तिहान ना लो, इनको जल्दी रिहा कर दो। इन्होंने आपको क्या बिगाड़ा है? एक बड़ी जमात ने हमारे 150 लोगों ने प्लाज्मा भी दे दिया, अपना खून भी दे दिया, प्लाज्मा भी दे दिया, उसके बावजूद उनके साथ ऐसा हाल और ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है। 150 लोग यहां फॉरनर्स हैं, जब अपने मुल्कों में जाएंगे और वहां जाके हिंदुस्तान की कारगुजारी बताएंगे कि हम लोगों को किस तरह कैद करके रखा गया, बताओ क्या जवाबदही होगी और क्या हमारा मुल्क का, हिंदुस्तान का सर ऊंचा हो सकेगा? इसलिए हमारी दरख्वास्त है, हमारी बात सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट को पहुंचाई जाए ताकि हम सबको रिलीज किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए। ये डिटेंशन सेंटर बन गया हमारे लिए, ये वबाले जा बन चुकी है हमारी, बराए करम हमें यहाँ से रिहा किया जाए। सुल्तानपुरी के इसी क्वारंटीन सेंटर में अभी तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है पिछले एक महीने में, हाजी रिजवान और मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिसको लेकर भी यहाँ पे लोगों में नाराज़गी है। और इनका सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतने लंबे समय तक इनको यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में क्यों रखा गया। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।